नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह से कुल्फ़ी। एक तो बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी, दूसरी ओरियो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी में हमने सबसे पहले मैंगो को हमने ब्रिक क्यूब्स में काट लिए, एक मैंगो है ये, और दूसरा हमने लिए 6 चम्मच मिल्क पाउडर। हमने इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करना, ना कोई शुगर ना कोई मिल्क, बस यही दो चीज़ें रहेंगी। दूसरी ये हम बना रहे हैं ओरियो कुल्फ़ी, इसमें हमने लिए हैं 4 पैकेट ओरियो के और 1/2 कप दूध। इसमें भी हमने और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ना कोई शुगर, कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि हम इन थोड़े से इंग्रेडिएंट में कैसे इतनी टेस्टी और लाजवाब कुल्फ़ी बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमने मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए ये मिक्सी जार में हमने ये 1 कटोरी आम लिए, आप अपने किसी भी कटोरी से माप सकते हो। और उसके बाद हमने डाला इसमें 6 चम्मच ये मिल्क पाउडर है, अगर ग्राम्स में नापे तो ये 70 ग्राम है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हो तो आप इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल सकते हो। मैंने इसमें और कोई शुगर ऐड नहीं करनी, क्योंकि मिल्क पाउडर में अपनी ही काफ़ी इसमें शुगर मिठास होती है, स्वीटनेस होती है इसमें, तो इसलिए हम इसमें और कोई इंग्रेडिएंट इसमें कोई भी हम नहीं डालेंगे। बस इसी को हम डाल के दोनों चीज़ों को इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने पेस्ट बना लिए मिल्क पाउडर और आम का। तो इसमें अब हम डालेंगे छोटे छोटे से, हमने क्यूब्स मैंगो के काटे हैं बहुत बारीक, तो इसमें ये मिला देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम थोड़े से इसमें नट्स मिला देंगे, ये बादाम और पिस्ताशियो हैं, तो इसका भी जो क्रंचीपन है इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब हम इस मिक्सचर को हम डालेंगे कुल्फ़ी मोल्ड्स में। ये हमने अपने मैंगो कुल्फ़ी का मिक्सचर 2 कुल्फ़ी मोल्ड्स में डाला है और 2 हमने डाले पेपर ग्लास में। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा टैप कर देंगे, टैप करके हम इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे इसको, इसको रख देंगे फ्रीजर में जमने के लिए। तो इसके ऊपर हम 2 घंटे के बाद इसमें स्टिक डालेंगे। अगर हम इसमें अभी से स्टिक डाल देंगे तो वो थोड़ी या तो टेढ़ी हो जाएगी या फिर बिल्कुल नीचे चली जाएगी, तो इसलिए हम इसे इस प्रकार से कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। फिर बाद में इसमें हम डालेंगे अपनी स्टिक। इसमें इस प्रकार से हमने कट लगा दिए कि हम इसमें स्टिक डालेंगे अपनी 2 घंटे के बाद। तो अब हम इसे रखते हैं फ्रीज़र में जमने के लिए। आप 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हो जमने के लिए, पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट रखिए, तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होएगी। पहले हमने बनाई है मैंगो कुल्फ़ी और अब हम बना रहे हैं ओरियो बिस्किट कुल्फ़ी। ये मैंने ओरियो के 4 पैकेट लिए हैं, इसको ध्यान से निकालना है, हम पैकेट को फाड़ेंगे नहीं। 4 पैकेट हमने इस मिक्सी जार में डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा देख के इसमें दूध डालेंगे। ज़्यादा हमने इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना, थिक ही बनाना है। तो अब हम इसको करते हैं ग्राइंड, इसका पेस्ट बनाते हैं। ये हमने ओरियो बिस्किट्स और दूध का बना लिया है पेस्ट। देखिए इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए, कितना क्रीमी है और कितना अच्छी तरह से ये हमें पता चल रहा है कि कितना बढ़िया क्रीमी क्रीमी बना ये। तो इसमें अब हम डाल देंगे, मैंने ये 4 बिस्किट्स लेके और पॉलीथीन के एक बैग में इनको क्रश कर लिया है। तो इसके जो पार्ट्स जो बाद में कुल्फ़ी में जो आएंगे ना मुंह में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम इसमें इसको कर लेते हैं मिक्स,
तो अब हम डालेंगे इसको, पहले तो हम पेपर ग्लास में डालेंगे इसको, पेपर ग्लास में बनाएंगे, दो पेपर ग्लास में, और बाकी के हम इसी ओरियो के ही पैकेट में हम अपनी कुल्फ़ी जमाएंगे। ये लीजिए, दो तो हमने डाल लिया अपना मिक्सचर पेपर ग्लास में, और दो हम इसी रैपर में डालेंगे। ये देखिए, इसी में इस प्रकार से डालते हुए इसको फिल करेंगे। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगी ना, तो दिखाएंगे कि कितनी अच्छी इसका टेक्सचर आता है। और अब भी आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया क्रीमी इसका टेक्सचर है। ये लीजिए, हमने फिल कर लिया, अब दूसरे को फिल करते हैं। अब हमने सारा अपना मिक्सचर जो है इनमें डाल लिया है। दो तो ये हैं बिस्किट के रैपर ही हैं, ये देखो इसमें हमने डाला है अपना मिक्सचर, दो हमने पेपर ग्लास में डाला है। अब हम इन्हें रखते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सबसे पहले, फिर हम बाद में इसके ऊपर स्टिक लगाएंगे, तो हम इसे ओवरनाइट रखेंगे फ्रिज में इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये इस प्रकार, सभी के ऊपर कवर लगा के। तो इस तरह से स्टिक के लिए इस तरह कट लगा के हम रखते हैं। अब हम इन्हें रख रहे हैं ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में जमने के लिए, तो बाद में देखते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं कि हमारी मैंगो कुल्फ़ी कैसी बनी है। तो हम इससे इस ग्लास को इस तरह से साइड से ऐसे फाड़ देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी और क्रीमी हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। आप ये खा के कभी भी बाहर से मैंगो कुल्फ़ी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि हमारा जो मैंगो था उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, तो उसमें हमने सिर्फ मिल्क पाउडर डाला है और हमने एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली। ये देखिए कितनी अच्छी बन के हमारी ये तैयार हुई है मैंगो कुल्फ़ी। और जो हमने मोल्ड में रखी थी ये कुल्फ़ी, उसे भी हम निकालते हैं। ये देखिए, इससे बस मैंने 2 मिनट ही बाहर इसको रखा है, तो देखो ये निकल आई बाहर कुल्फ़ी। और दूसरी कुल्फ़ी ये देखिए, इस तरह से इसको घुमाएंगे और बाहर आ गई। और देखिए कितनी क्रीमी, और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनके हमारी ये कुल्फ़ी तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर से बनाइए और इंजॉय कीजिए, देखिए कि कितनी अच्छी बढ़िया ये हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। अब ये हमारी ओरियो कुल्फ़ी भी बनके तैयार है, तो अब हम इसे भी निकालते हैं। देखिए इसे भी सेम वे से हम ये जो पेपर ग्लास है उसे इस प्रकार से फाड़ेंगे। इसमें भी हमने कोई भी एक्स्ट्रा शुगर हमने ऐड नहीं करी, ये देखिए, क्योंकि ओरियो बिस्किट्स में अपनी ही बहुत ज़्यादा मिठास होती है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये देखिए, तो आप अपने बच्चों को ये इस प्रकार से अगर बना के खिलाओगे तो बहुत ही हेल्दी वे से, अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार बना के खिलाओगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली है, क्योंकि ओरियो जो है सभी के बहुत पसंदीदा बिस्किट हैं, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद हैं ये ओरियो। ये देखिए, तो अब हम निकाल रहे हैं जो हमने इसी ओरियो के रैपर में ही जो हमने अपनी कुल्फ़ी जमाई है। ये देखो, कितनी अच्छी चॉकलेटी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है।
ये देखिए हमारी ओरियो चॉकलेट कुल्फ़ी बनके तैयार है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और लाजवाब ये कुल्फ़ी बनी है हमारी। आप इसे बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए। ये हमारी दोनों कुल्फियाँ बन के तैयार हैं, ये मैंगो कुल्फ़ी और ये ओरियो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी में हमने जो एलमंड्स डाले हैं उनका नटी फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आया इसमें, और हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला, हमने सिर्फ मैंगो और मिल्क पाउडर ही डाला है। और ये ओरियो कुल्फ़ी में हमने आधा कप दूध का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है आप। और इसमें हमने जो थोड़े से बिस्किट क्रश करके डाले हैं उनका जो क्रंचीपन है बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। और ये कुल्फ़ी बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इन दोनों कुल्फियों को बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।